जयपुर पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर, पुलिस महकमे को मिले 51 पुलिस इंस्पेक्टर। प्रदेश में पुलिस इंस्पेक्टर के 1410 स्वीकृत पद, इनमें से वर्तमान में 1181 पुलिस निरीक्षक ही है पुलिस बेड़े। इंस्पेक्टरों के चल रहे 229 पद रिक्त। रिक्त पदों को भरने के लिए उप निरीक्षक से निरीक्षक बनाने के लिए 64 पदों की योगात्मक परीक्षा का आयोजन किया गया। इनमें 49 पदों पर सामान्य एससी के 8 और एससी के 7 पदों पर पदोन्नति की जानी है। योगात्मक परीक्षा के बाद 51 उप निरीक्षकों को निरीक्षक पद के लिए सफल व योग्य माना जाएगा। अब पदोन्नति के बाद चयनित इंस्पेक्टरों की 2 महीने की पीसीसी होगी और इसके बाद जिलों में उनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। पुलिस मुख्यालय से जुड़ी ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां 64 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया और पुलिस नए पुलिस इंस्पेक्टर भी मिले। 49 पदों पर सामान्य एससी के 8 और एसटी के 7 पदों पर पदोन्नति की जानी है। पदोन्नति के बाद चयनित इंस्पेक्टरों की 2 महीने में पीसीसी होगी और उसके बाद ही जिलों में उनकी पोस्टिंग की जाएगी। जयपुर पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर, पुलिस महकमे को 51 नए पुलिस इंस्पेक्टर मिल चुके। और प्रदेश में पुलिस इंस्पेक्टर के 1410 स्वीकृत पद हैं और 51 नए पुलिस इंस्पेक्टर भी पुलिस को मिले। इनमें से वर्तमान में 1181 पुलिस निरीक्षक ही पुलिस बेड़े में मौजूद है और 229 जो पद है वो इंस्पेक्टरों के रिक्त चल रहे हैं, जिनमें 51 नए पुलिस इंस्पेक्टर मिले हैं और 1410 जो पद है स्वीकृत किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय से जुड़ी ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, 51 नए पुलिस इंस्पेक्टर मिले हैं और स्वीकृति भी उन्हें मिली है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, पुलिस महकमे में अब 51 पुलिस इंस्पेक्टर और होंगे। हाल ही में पुलिस मुख्यालय की ओर से जिला स्तर पर एक योग्यात्मक परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 64 पदों के लिए जो सीनियरिटी के हिसाब से उनसे आवेदन मांगे गए थे। तो उनमें जो आवेदन किए थे उनमें से 64 पदों में से 51 पदों के लिए 51 पुलिस कर्मियों को इंस्पेक्टर पद के लिए चयनित किया गया है। अब इनकी पीसीसी की एक पाठ्यक्रम होता है जो पुलिस मुख्यालय का, तो उसकी एक ट्रेनिंग होती है, तो आरपीए में आयोजित होगी 2 महीने के लिए और उसके बाद में इनको पोस्टिंग दी जाएगी। मैं आपको बता दूं कि पुलिस महकमे में करीब 1410 स्वीकृत पद है पुलिस इंस्पेक्टर के और वर्तमान में केवल 1181 पुलिस इंस्पेक्टर के। तो ऐसे में हर साल पदोन्नति से जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उनको इंस्पेक्टर बनाया जाता है और उसके लिए सीटें एक निर्धारित होती है, जिसमें सामान्य एसटी एससी की सीटें तय रहती है, तो उसके आधार पर ही पदों पर चयन किया जाता है। करीब 64 अभी बनाए पद रिक्त पद सीटें निर्धारित की थी, तो उन सीटों पर केवल 51 कोई सफल और योग्य माना है, तो उसके आधार पर अब जो 49 पदों पर सामान्य एससी के 8 और एसटी के 7 पदों पर पदोन्नति दी गई है। अब इससे क्या है, जल्दी ही पुलिस महकमे में 2 महीने बाद में इंस्पेक्टर सभी जिलों को आवंटित कर दिए जाएंगे और इंस्पेक्टरों की कमी है कुछ हद तक दूर हो जाएगी। चलिए ओम प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पुलिस महकमे को 51 नए पुलिस इंस्पेक्टर मिल चुके हैं।